नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, 20 दिनों से चली आ रही उठापटक के बाद आखिरकार आज 28 नवंबर को शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई। एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अजीत दादा चक्की पीसिंग पीसिंग, आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। अजित दादाची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथा भाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। महाराष्ट्र के बीजेपी और एनसीपी के अजीत के सरकार बनाने के बाद ही घोटाले के आरोपी अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई। ये महाराष्ट्र की एंटी करप्शन यूनिट ने दी है। ये लगभग 7,000 करोड़ का घोटाला था जिसमें अजीत पवार को बिल्कुल ही क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए इसलिए। हमारी महायुति को संपूर्ण बहुमत दिया और पिछले 5 वर्षों में जो काम महाराष्ट्र में हमने किया उसको एक जनादेश, एक मैंडेट जनता के वोटों से मिला और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया, इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो जनादेश मिला, ये जैसे महायुति को जनादेश था उसमें भी ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67 से 70% सीटें हम लोगों ने जीती और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई। तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था। दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे, लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की, तो उनकी मंशा यह स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे। और उसके बाद जो राज्य में हुआ हम सबने देखा, असेंबली की मियाद जब समाप्त हुई उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पास 105 और हमारे जो अपक्ष है इनका समर्थन हासिल है, इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते। ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी, मैंने इस्तीफा भी दिया। उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया। शिवसेना दावा लेकर इस प्रकार से गई मानो 145 लोग उनके पास है, और उस समय सारे मीडिया ने भी दिखाया कि सरकार बन गई बन गई बन गई, पर वो दावा कितना खोखला था और किस प्रकार से एक मजाक उस दावे का बना हम सबने देखा। न कोई चिट्ठी आई, न कोई सरकार बनी। उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया, उन्होंने भी नंबर नहीं इसलिए नकारा, और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उसके बाद
तीन पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना, और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे।